आप में से बहुत लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कोई भी मान लीजिए इग्नू का जैसे असाइनमेंट हो या प्रोजेक्ट हो, उसका अनुवाद कैसे करें। सामग्री अधिक रहती है। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि आप इसको कैसे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। हालांकि इस तरीके से ज्ञान नहीं बढ़ेगा, लेकिन जहाँ आवश्यकता है कि समय पर आपको देना, वहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत होगी आपके मोबाइल फ़ोन में दो तीन छोटे छोटे ऐप, जिसमें पहला है गूगल लेंस। आइए पूरी प्रक्रिया आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले आप गूगल में जाइए और गली कूचा सर्च करिए। गली डैश कूचा डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम ये हमारा वेबसाइट है। नीचे की तरफ जाएंगे ना तो यहाँ देखिए सर्च लिखा हुआ है। यहाँ PGDT डालिए और ये खोज बटन दबा दीजिए। खोज बटन दबाने के बाद ये देखिए PGDT से संबंधित सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। अब यहाँ देखिए PGDT आपको असाइनमेंट डाउनलोड करना है, तो ये लिखा हुआ है कि प्लीज़ डाउनलोड इग्नू PGDT फ्रॉम दिस लिंक। आप इस पर क्लिक करें। यहाँ देखिए PGDT असाइनमेंट में ये लिखा हुआ 51 to 55 हिंदी और ये दोनों में एक ही चीज़ें हैं। ये आया WPS ऑफिस हमारे फ़ोन में है, हम इससे खोलते हैं। अब ये देखिए PGDT 2022-23 वाला है, मतलब जुलाई 22 और जनवरी 23 वालों के लिए यह है। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमें अनुवाद कार्य जिसमें करना है। तो ये है आपका एक नंबर, एक नंबर में खाली प्रश्न का उत्तर देना है। दो नंबर में आप पेज नंबर दो में आएंगे तो देखिए यहाँ आपको अनुवाद करने के लिए लिखा हुआ है निम्नलिखित सामग्री का हिंदी में सारा अनुवाद करिए। ये सारा अनुवाद करना पा जाइए। थ्री में क्वेश्चन पेपर अनुवाद करना, एक एक लाइन ये तो आप कर पाएंगे, दिक्कत नहीं है। ये देखिए हिंदी में निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए, फिर निम्नलिखित का हिंदी से अंग्रेजी में। अभी इसका क्या करेंगे, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये देखिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको हम लेंगे आपके मोबाइल में। एक लेंस ऐप होगा, आप गूगल लेंस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये गूगल लेंस इस तरह दिखता है, ये देखिए। अब इसमें आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए स्क्रीनशॉट हमने लिया, वो स्क्रीनशॉट यहाँ दिख रहा है। ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब हमको करना क्या, टेक्स्ट देखना है। ये टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, ये सारा टेक्स्ट सेलेक्टेड है। अब आपको सेलेक्ट ऑल करना है तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा, और कॉपी टेक्स्ट करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। आप इसको यहाँ से कॉपी करके कहीं पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको ट्रांसलेट करना है तो ये जो नीचे ट्रांसलेट लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे, और ट्रांसलेट क्लिक करते ही देखिए इसने आपके टेक्स्ट को यहाँ नीचे की तरफ देखिए ये हिंदी में अनुवाद कर दिया है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी टेक्स्ट करने के बाद आप इसको किसी वर्ड फाइल में पेस्ट करेंगे। देखिए करते हैं। अब मेरे फ़ोन में देखिए ये वर्ड ऐप है, इसको खोलेंगे, प्लस निशान पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ट्रांसलेट हो गया है। अब हमको ये जो अनुवाद हुआ है उसको कॉपी करना है। एक तरीका ये है कि यहाँ ऐसे उंगली रख करके इस तरह से सेलेक्ट करके, और फिर यहाँ नीचे कॉपी टेक्स्ट लिखा हो यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी कर, ये है वर्ड डॉक्यूमेंट हमने खोल रखा है पहले से। आपको फिर से दिखा देता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ ऊपर प्लस का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट खुल गए। कई है सैंपल ओवर है, तो यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ उंगली रख के प्रेस करेंगे, ये कोने वाला है पेस्ट का ऑप्शन, पेस्ट किए ये अनुवाद आ गया। बस इसको संजो के रख लीजिए। अनुवाद में अगर एक्यूरेसी करनी है तो गूगल ट्रांसलेट में आप या फिर माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट में एक एक वाक्य अगर डालेंगे कॉपी करके तो उसका 90% सही आएगा। आइए उसको देखते हैं। तो आपको जब अनुवाद करना है दो तरीके ना, थोड़ी मेहनत होगी। एक एक लाइन सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ गोल तक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे गूगल ट्रांसलेट ऐप पे, मेरे पास नहीं है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपी किया हुआ टेक्स्ट आप दोनों में से किसी एक ऐप में पेस्ट करिए। अब ये देखिए जो अंग्रेजी में हमने दिया था उसका इसने हिंदी अनुवाद कर दिया है। एक लाइन दिया था तो एक लाइन किया है। अब पढ़ के देखते हैं। 20वीं सदी का भारतीय साहित्य अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम और उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद आने वाली चुनौतियों में शामिल
भारतीय लोगों की जीत और तासी का एक यादगार रिकॉर्ड है, लगभग सही किया है इसने, तो आप अब इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। इस तरह से आप प्रयास करेंगे तो कम समय में आपका अनुवाद हो जाएगा।